हेलो, आज मैं आपको फूल गोभी के बारे में जानकारी दूंगी। फूल गोभी की कॉप अर्ली और लेट दो बार लगती है। अर्ली फूल गोभी की नर्सरी हमने जुलाई के एंड में डाली थी। आप देख सकते हैं ये एक महीने की हो गई है और क्यारी में ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। फूल गोभी की पौध हाथ से आसानी से निकल रही है क्योंकि हम नर्सरी लगाते समय इसमें काफ़ी गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद डालते हैं। और आप पौध देख सकते हैं कितनी अच्छी है। पौध क्यारी में लगाने से पहले क्यारी को अच्छे से तैयार कर लेते हैं। इसमें गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद मिला के इसका स्लोप ऊपर से नीचे की ओर बनाएंगे। इसका कारण है बरसात का पानी क्यारी में नहीं ठहरेगा और पौध खराब नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं क्यारी में पौध से पौध की दूरी हमें 1 फुट रखेंगे और लाइन से लाइन की दूरी करीब करीब 1.5 फुट रखेंगे और इसी प्रकार पूरी क्यारी कंप्लीट करेंगे। और अभी धूप तेज होने के कारण क्यारी में भरकर पानी लगाना है हमें। अब आप 7 दिन की पोजीशन देख सकते हैं। लाइन में लगी होने के कारण क्यारी कितनी अच्छी लग रही है। आप आई बटन क्लिक करके मेरी पुरानी गोभी की हार्वेस्टिंग की वीडियो देख सकते हैं। यह कॉप 3-3.5 महीने की होती है और कितनी अधिक हार्वेस्टिंग देती है आप देख सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय।